नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं झारखंड में सूखे से परेशान किसानों को राहत के लिए योजना सिर्फ तीन लाख बीस हजार किसानों ने किया रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन की जो स्थिति है वह पर्याप्त नहीं है कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक दस अगस्त तक जिले से फसल राहत योजना के लिए मात्र एक किसानों का आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें अब तक मात्र तीन लाख बीस हजार किसानों का ही निबंधन हो सका है जबकि राज्य में अड़तीस लाख से ज़्यादा किसान निबंधित हैं बता दें कि झारखंड में अल्पवृष्टि के कारण छः जिलों में सुखाड़ की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक बनी हुई है सत्रह जिलों में भी कम बारिश ने खरीफ फसल की खेती पर प्रतिकूल असर डाला है सरकार किसानों को तत्काल राहत देने के लिए फसल राहत योजना का लाभ पहुंचाने पर काम कर रही है लिहाजा हर जिले से इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निबंधित होने के साथ साथ अपना आवेदन भी जमा करना होगा बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की संभावना है इसके चलते एक बार फिर राज्य के दक्षिणी भागों में अधिक बारिश की संभावना बन रही है मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 अगस्त को बारिश की रफ्तार में कमी आ सकती है इस दिन राज्य में कुछ ही स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव अगले 12 घंटों के दौरान अति गहरे निम्न दबाव में बदलकर पश्चिम व उत्तर दिशा में बढ़ेगा झारखंड में अड़तालीस प्रतिशत कम हुई वर्षा नौ प्रतिशत धान की रोपनी झारखंड में धान की खेती करने वाले किसान संकट में हैं मानसून के दौरान होने वाली वर्षा अड़तालीस प्रतिशत कम हुई है सुखाड़ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए झारखंड राज्य ने 24 जिलों में एक्सपर्ट की टीम भेजी थी जिसमें से पाँच जिलों से ही रिपोर्ट कृषि विभाग को मिली है बता दें दस अगस्त को ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी बताया जाता है कि इस बीच सार्वजनिक अवकाश की वजह से सभी जिलों की रिपोर्ट नहीं मिल पाई कोडारमा हजारीबाग लोहरदगा गुमला और पश्चिमी सिंहभूम से मिली रिपोर्ट के मुताबिक धान की खेती करने वाले किसान मुश्किल में हैं अपने आकलन में कमेटी ने पाया है कि धान के बिछड़े पीले पड़ गए हैं और 20 प्रतिशत से ज़्यादा धान की खेती संभव नहीं है झारखंड में वज्रपात से पांच लोगों की मौत झारखंड में शनिवार को हुई वज्रपात की घटना में पलामू और लातेहार जिले में पांच लोगों की मौत हो गई जिनमें तीन किशोरों के अलावा पति पत्नी शामिल हैं जबकि एक बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है बता दें पहली घटना पलामू जिले के नवडीहा बाजार की है वर्षा से बचने के लिए चराय टू पंचायत के खड़वार गाँव के तीन किशोर कटहल के पेड़ के नीचे खड़े थे कि वज्रपात की घटना के मौके पर ही तीनों की मौत हो गई 15 अगस्त को ड्रोन से निगरानी गाड़ी खरीद बिक्री पर नजर स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे असामाजिक तत्व खुशियों में खलल न डाले इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है नक्सल क्षेत्रों में जहां एक और गश्त तेज है वहीं दूसरी ओर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है राज्य के सभी होटल ताज आदि में ठहरने वाले का भी पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है कब से वहाँ ठहरे हैं किस काम से आए उनके पहचान पत्र आदि भी देखे जा रहे हैं पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी दिशा निर्देश में बताया है कि सभी जिलों में मंत्री विधायक व अन्य वरीय पदाधिकारी जहां झंडारोहण करेंगे वहां आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा पुख्ता रखें संस्कृत विद्यालय व मदारसा कर्मियों को मिलेगा दोगुना अनुदान झारखंड के संस्कृत विद्यालयों और मदारसा के 536 शिक्षकों व कर्मचारियों को दोगुना अनुदान का रास्ता साफ हो गया है स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दे दी है प्रस्तावक को अब अगले सप्ताह वित्त विभाग को भेजा जाएगा बीतवा व कैबिनेट की मंजूरी के बाद तैंतीस संस्कृत विद्यालयों और तैंतालीस मदरसा के शिक्षकों व कर्मियों को यह अनुदान इसी वित्तीय वर्ष दो हज़ार से भुगतान हो सकेगा बता दें राज्य के तैंतीस संस्कृत विद्यालयों में 250 और तैंतालीस मदरसा में से दो शिक्षक व कर्मी कार्यरत हैं झारखंड में अब तक 45 लाख बटा तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य में करीब 45 लाख तिरंगे का वितरण किया गया है इसमें से 20 लाख तिरंगा भारत सरकार से खरीदा गया है शेष तिरंगा झंडा का इंतजाम जे एस एल पी एस व विभिन्न भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व उद्योगों की सहायता से किया गया है बता दें जे एस एल पी एस ने आठ लाख व टाटा स्टील ने पाँच लाख तिरंगा राज्य सरकार को सौंपा है वहीं सी ने एक पॉइंट दो पाँच करोड़ रुपये अभियान के लिए राज्य को मुहैया कराया है उपायुक्तों के माध्यम से राज्य सरकार ने तिरंगा का निशुल्क वितरण कराया है शिक्षा से ही झारखंड का विकास जैक अध्यक्ष झारखंड अधिविध परिषद जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि शिक्षा में झारखंड पिछड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है सरकार यहाँ के लोगों के अनुरूप शिक्षा देने में विफल रही है वह शुक्रवार को रांची जिले के बुड्डू स्थित पंच प्रगान किसान कॉलेज में एनसीसी और हिंदी दिवस के तत्वाधान में शहीदों के सम्मान में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि तिरसठ प्रतिशत खनिज संपदा से भारत झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है गांव और सुदूर देहात के छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है शिक्षा के विकास से ही राज्य समाज समृद्ध होगा झारखंड में दस लाख से अधिक लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल राज्य के दस लाख से अधिक की शहरी आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है इसके लिए जुवकों ने अठारह शहरी नगर निकायों में लगभग तेईस करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार है इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक एशिया विश्व बैंक राज्य सरकार और अमरुद्ध योजना से आर्थिक ऋण और अनुदान राज्य को मिलेगा बता दें जलापूर्ति योजनाओं को लेकर जुड़कों के सभागार में बीडर्स मीट का आयोजन किया गया इसमें देश विदेश की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया रांची यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर सुरक्षा की दिशा में गंभीरता से सोचना आज जरूरी है ऐसे कोर्स से रोजगार के अवसर मिलते हैं राज्यपाल शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय के साइबर सिक्योरिटी कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने मोराबादी के बेसिक साइंस कैंपस के फिजिक्स डिपार्टमेंट में रांची विश्वविद्यालय आई साइबर पीस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया साथ ही पंद्रह मिनट तक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी ली और साइबर हमला कैसे होता है उसे नज़दीक से देखा रांची के मोराबादी मैदान में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल स्वतंत्रता दिवस पर मोराबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह की तैयारी को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान स्वतंत्रता दिवस को होने वाले कार्यक्रमों को दोहराया गया उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने परेड की सलामी ली उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पार्टियों को परेड से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए बता दें उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का भी जायजा लिया इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैंकर्स जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को दे बढ़ावा मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है नए पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बैंकों के मर्ज होने से इस प्राइवेटाइजेशन के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना है सी एम ई जी पी के जरिए सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है वे जमशेदपुर धत की डी के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया संथाल बैंकर्स एक्सपायर वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे रांची में अंठावन हजार से अधिक मामलों का निपटारा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रांची के सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इसमें अंठावन हजार से अधिक वादों का निष्पादन किया गया एवं 102 करोड़ रुपए से अधिक का सेटलमेंट किया गया इसमें प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन के वादों का निपटारा शामिल है उद्घाटन कार्यक्रम में न्यायुक्त अरुण कुमार राय ने कहा है कि लोक अदालत अपने वादों को मध्यस्थ के माध्यम से सुलझाने का सरल माध्यम है कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार ने कहा है कि इस बार अधिक वादों के निष्पादन की कोशिश की गई है किसानों के लिए ई के की तारीख बढ़ी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है बता दें नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई के की तारीख बढ़ा दी है अब तक जिन किसानों ने ई के नहीं कराया है वे अब 31 अगस्त तक यह काम करा सकते हैं झारखंड समेत पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा बता दें कि पी किसान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ई के अनिवार्य कर दिया है अगर कोई ई के नहीं करवाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि की बरहमी किस्त का पैसा उनके अकाउंट में नहीं जाएगा इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपको हर साल छः हजार रुपये का नुकसान होगा था। 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 रांची में धूमधाम से मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी बीस को दही हांडी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति द्वारा उन्नीस एवं बीस अगस्त को रांची के अलवर्ट एका चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के संरक्षक सांसद संजय सेठ व विधायक सीपी सिंह एवं पूर्व सांसद अजय मारू हैं बता दें महोत्सव को लेकर सेवा सदन पथ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रथम तल सभागार में समिति की बैठक हुई इस बैठक में आयोजन को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सफलता के लिए बैठक में कमेटी का विस्तार किया गया और सदस्यों को कार्यों की जिम्मेदारी दी गई दुमका के सरकारी हेडमास्टर का नशे में वीडियो वायरल झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के उत्कर्मिक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने शराब इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वे स्कूल टाइम में बच्चों के सामने झूमते नजर आए बच्चे अपने हेडमास्टर अनिद्रयास मरांडी को इस रूप में देखकर हैरत में थे बता दें ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो वे भी काफ़ी नाराज हुए इस दौरान हेडमास्टर का बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया सिकारी पड़ा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने जांच के बाद सही पाए जाने पर इस मामले में कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चालीस लाख अड़तालीस हजार श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण चार पॉइंट करोड़ आय देवघर डीसी मंजुनाथ भायंत्री भयंत्री ने जानकारी दिया है कि इस बार श्रावणी मेले में कुल चालीस लाख अड़तालीस हज़ार चार सौ अड़तीस श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया एक महीने में बाबा मंदिर में विभिन्न स्रोतों से चार पॉइंट छः एक करोड़ की आय हुई है मीडिया सेंटर में उन्होंने बताया कि सर्वाधिक आय इस बार बाबा मंदिर के शीघ्र दर्शनम कुंपन से हुई मंदिर को शीघ्र दर्शनम से दो पॉइंट आठ जीरो करोड़ की आय हुई है क्योंकि इस बार पूरे माह में सतासी हज़ार एक सौ अंठावन श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम कूपन से जलार्पण किया इससे मंदिर प्रशासन को साठ प्रतिशत यानी दो करोड़ अस्सी लाख दस हज़ार सौ रुपये की आय हुई इस कूपन की चालीस प्रतिशत राशि से एक करोड़ पचपन लाख अड़सठ हज़ार नौ सौ रुपये की आय पुरोहितों को हुई है रामगढ़ के कुएं में गिरे दो हाथी निकाले गए सुरक्षित झारखंड के रामगढ़ जिले के गोलावन क्षेत्र के पुरबड़ी गांव में कुएं में दो हाथी गिर गए जिसे वन विभाग की टीम ने जेसीबी के माध्यम से निकाल कर सुरक्षित जंगल की ओर जाकर छोड़ दिया इस दौरान खेत में लगी मकई की फसल बर्बाद हो गई मुख लाल महतो का कुआं व एक व्यक्ति की चार दीवारी को क्षतिग्रस्त किया गया बता दें दर्जनों लोगों के खेतों की लगी मकई की फसलों को रौंद कर बर्बाद किया गया ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से सुरक्षा प्रदान करने एवं मुआवजा देने की मांग की है बोकारो में तीन सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण सेंटर तैयार बोकारो में करोड़ों की लागत से बने तीन एएनएम ट्रेनिंग स्कूल छः साल से बनकर तैयार है सरकार की उदासीनता के कारण आज तक एक भी सेंटर शुरू नहीं हो सका किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को सरकार ने अब तक एन नहीं दी है तीनों ए एन एम ट्रेनिंग सेंटर वर्ष 2013 में स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया उस वक्त भी हेमंत सरकार थी बता दें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह थे दो ट्रेनिंग सेंटर जैना मोड़वा फूसरो अस्पताल के पास है वही एक सेंटर कैंप दो सदर अस्पताल के पीछे है बता दें कि कैंप दो में चार करोड़ जैनामोड़ में तीन करोड़ व फूसरो में दो करोड़ की लागत से सेंटर का निर्माण कराया गया है मोदी एट द रेट बीस पुस्तक पर झारखंड में मंथन झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शनिवार को मोदी एट द रेट बीस ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा हुई इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीस वर्षों की राजनीतिक यात्रा पर चर्चा की गई बता दें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करिया मुंडा रहे जो पंद्रहवीं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं मुख्य अतिथि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई प्रेरक शब्दों के साथ कार्यक्रमों को संबोधित किया उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने अपने प्रारंभिक बचपन के जीवन के बारे में बताया है जो एक संघर्ष से शुरू हुआ था आईएएस छवि रंजन को कोर्ट से राहत झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में आईएएस छवि रंजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उनके खिलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया हालांकि उनके खिलाफ आई के तहत दर्ज मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी तीस करोड़ के जहाज़ का मालिक दाहु यादव फरार अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने फरार चल रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहु यादव की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है अब ईडी की विशेष अदालत से यह केंद्रीय जांच एजेंसी दाहु यादव के लिए गैर जमानतीय वारंट लेने की कोशिश करेगी दाहो यादव अठारह जुलाई से लापता है इसके बाद से ही ईडी ने तीन तीन समन भेजा लेकिन वह ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका बता दे दाहू यादव की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने साहेबगंज पुलिस से भी संपर्क कर सहयोग मांगा है हजारीबाग के लड़की को पंचायत ने रात में जबरन निकालकर उठक बैठक कराए झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के सिरमा गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक युवती को रात में घर से जबरन निकालकर उसे पंचायत के सामने पेश कर उठक बैठक कराई युवती के साथ बदसलूकी करते हुए उसे थप्पड़ भी मारे गए पंचायत लगाने वाले लोगों का आरोप है कि युवती ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक वीडियो वायरल किया हालांकि युवती इससे इनकार कर रही है जिस वीडियो को युवती द्वारा वायरल किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है उसमें कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते नजर आते हैं झारखंड अंगदान के मामले में काफ़ी पीछे ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड द्वारा शनिवार को विश्व अंगदान दिवस के मौके पर रिम्स के नए एकेडमिक बिल्डिंग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया इस दौरान बताया गया कि विश्व भर में हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि मृत्यु के बाद लोग अपने स्वस्थ अंगों को दान करके दूसरों को नया जीवन देने के लिए प्रेरित हो इस कार्यक्रम का उद्घाटन रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया <गण्णागा> तिरंगे का मान सदैव ऊंचा रखना है राज्यपाल आजादी का अमृत महोत्सव पर रांची विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को हर घर तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा शिक्षक व पदाधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए तिरंगा यात्रा को राजभवन से राज्यपाल रमेश बैस ने रवाना किया राज्यपाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया है रांची विश्वविद्यालय की यह प्रभात फेरी सराहनीय पहल है हमें इसी प्रकार अपने तिरंगा कमान सदैव ऊंचा रखना है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें थैंक यू